एक्स्ट्रा थैला भी नहीं आपके पास कि हम ये घर लेके जा सकें? आप आराम से। नहीं नहीं, मैं खुद रख लूंगा। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिन का आगाज हो चुका और एक नया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, व्लॉग स्टार्ट हुआ तो व्लॉग आप लोगों के लिए स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग स्टार्टिंग में बता दें कि व्लॉग कैसा लग रहा है। अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, मस्ट है। और मुस्तफा जैसे ही देखा व्लॉग ऑन हो चुका है, फौरन से इधर से अंदर होके अंदर कि मामा मेरे घर के साथ मेरा व्लॉग बनाए, है ना। और ये आपके फेस पे क्या हुआ है? मच्छर ने काटा है? आप तो नहीं हाथ लगाने और आगे जाली है। अब तो मच्छर के भी सीजन आ गया ना कि मच्छर भी अब काटा करेगा। जो हमें ज्यादा मच्छर हो जाते हैं। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं तो बस यहाँ पे खाना वाना लगा ही रहे थे और थोड़ी देर में खाना खाएंगे। तो मैंने कहा साथ साथ पहले व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि मैं काम शुरू करती हूँ और नीचे मेरे क्या आ गया। लो, मुझे पता था ना जगह जगह चीजें बिखरी हुई होंगी। काम बहुत ज़्यादा होता है तो व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है, तो इसलिए कि व्लॉग हो तो स्टार्ट जाता है। और बाकी बच्चे जो है ना बड़े भी, वो बार बार इस घर में जा रहे हैं। अभी जो है वो अहमद स्कूल से आके सो रहे थे और मौसम तब्दील हुआ है तो ठंड की वजह से ये इब्राहिम ने लिया हुआ था, वो मैंने लिया हुआ था। और अहमद जो है वो सो रहे हैं, हम लोग तो उठ गए हैं, पर ये बिस्तरे जो है ना बिखरे बिखरे से लग रहे होंगे आपको। तो सर्दियों का थोड़ा सा ये मसला होता है, सर्दियाँ अच्छी लगती है पर बिस्तरे, कपड़े, जैकेट, सॉक्स, जैसे ही ज़्यादा सर्दी आएगी ये सब चीज़ें फिर निकलना शुरू हो जाती हैं और घरों में फिर ये बिखेरा लगता है। खैर, अभी जो है मुस्तफ़ा ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, इतना तंग किया हुआ था। और हमारी यहाँ की लाइट भी थोड़ी ख़राब हो गई, मैं यूँ ऐसे बनाती हूँ क्योंकि यहाँ पर बल्ब जो है ना फ्यूज़ हो गया है एक, और एक जो सही है। वो मुस्तफ़ा है, उन्होंने मुझे तंग किया हुआ था, उन्होंने दलिया खाना है। वो कब से कह रहे मामा दलिया दलिया दलिया। तो मैंने सामान निकाला है यहाँ पर, वीडियो एडिट करते करते मैं जल्दी से दलिया बनाने लगी हूँ। और अभी अहमद ने सेब खाया, उसने आधा बचा लिया। मुस्तफ़ा ने केला खाया तो उसने आधा बचा दिया। फ्रूट वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। खैर, अब दलिया बनाते हैं। दलिया के लिए मैंने दूध फ्रीज़र से निकाला है, तो इसको काटा तो इसमें दूध जमा हुआ है और ये भी मेल्ट नहीं हो रहा। और मुस्तफ़ा सब्र नहीं कर रहे। मुस्तफ़ा बेटा, उसमें बर्फ़ जमी हुई है। ये जिस टाइम से ये घर आया ये घर के अंदर मिलेगा आपको, घर से बाहर नहीं मिलेगा। अभी मैं सोच ही रही थी कि फ्रूट चाट वगैरह बनाती हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ। फ्रूट बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है तो मैंने कहा ये अलग अलग खाने नहीं हो रहा। अंगूर वैसे ही रात पे नहीं छील दिए थे और ग्रेप्स के भी दाने हैं अलग हुए हुए। खरबूजा लाई हूँ, फीका निकला है तो ये फ्रूट चाट में एडजस्ट हो जाएगा चीनी डाल के। और यहाँ पर ये केले भी थोड़े काले पड़ गए, बच्चों ने इतने खाए नहीं है। सेब खाने हुए हैं तो उसमें से भी कुछ ये हल्की है। तो अभी इन सबको मिला करना मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ। और हस्बैंड आ चुके, दूध लेकर आए हैं, कह रहे हैं चाय पीनी है मज़ेदार से, एक कप चाय बना दो। तो इनको मैंने चाय बना के देनी है। बात सुने, मैं अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ, आपके लिए दाल और चावल बनाती हूँ। आप एक काम करेंगे, छोटा सा फ्रूट चाट बना दें। तकरीबन अनार छिले हुए हैं, अंगूर वैसे ही सेपरेट हुए हुए हैं और उसके अलावा जो है सारा अनार भी मैंने छिले थे। फ्रूट सेपरेट जो था वो जो अंगूर थे वो भी मैं ही लाया था इस तरह। तो आप फ्रूट चाट भी आप बना दें। दो काम तो मैंने कर दिए, तो बाकी भी पूरा आप कर दें, यही कहना चाह रही हूँ, पूरा कर दें। चले आए इतने दिनों बाद आप घर में नजर आए हैं, थोड़ा सा साथ हो रहे हैं। मतलब कि आप कम कम नजर आते हो ना, मतलब कि मैं जबरदस्ती का लाती हूँ व्लॉग में, आप आते भी नहीं हो, काम भी नहीं करते मेरे। अपने काम कर लूं पहले। चले अच्छा उठे ना, अच्छा उठो। अभी हम किचन में मिलकर काम करेंगे। दाल जो ये साबत मसाला है इसे मैंने भिगो दिया है। चावल निकालने, चावल मैंने कहाँ रखे थे, मेरे ख्याल से मैंने अंदर रखे हुए, चावल लेकर आती हूँ। ये सारा सामान मैं आपको नीचे रख देती हूँ, आप आराम से। नहीं नहीं, मैं खुद रख लूंगा। हल्के पे नहीं आ रहे आजकल आप। चले, मैं भी अपना काम कर रही थी, यहाँ पर चावल निकालती हूँ और साथ साथ दाल बनने रखती हूँ। मेरे तो अभी दाल चावल प्रोसेसिंग पर हैं, पक रहे हैं, पकने में अभी टाइम लगेगा तो मैं इनके पास आके बैठी हूँ। इनकी चाय बन चुकी है और ये मैंने पूरा कप बनाया था पर पता नहीं आधा कैसे हो गया। बताएं आधा कैसा हो गया? पता नहीं कैसे हो गया। नहीं बता दें, गिर गया चूल्हे पे, गिर गया। फिर से ना मसाला लेने गई और अंदर से चावल लेने गई, वापस आई चाय तो आधे से ज्यादा कप नीचे गिर गया। इनके लिए इतना बहुत है ना, फिर बाहर रात में भी तो पीनी होती है ना। इन्होंने फ्रूट चाट काटनी शुरू की और आपको बताऊं, पता नहीं ये आज मेरा फीका क्यों निकला है। उस दिन मैं इतना खुश थी जब ये मीठा निकला था और आज पता नहीं क्यों फीका है, हालांकि खुशबू पूरे घर से आ रही है पर अभी ये जो है ना फीका लग रहा है। और ये जिस तरह काट रहे हो ना, मुझे पता है क्या लग रहा है, रमजान की फीलिंग आ रही है। उसमें ना इंजेक्शन लगाया हुआ था, मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, वो रेडी से पता है क्या खुशबुएं उठ रही थी, उड़ गई। फिर मैं वापस आई, मैंने कहा इतने मजे की खुशबू है, मैंने कहा भाई मीठा होगा, तो बोला हाँ मैंने ले लिया। और यही सवाल मैंने आज पूछा, भाई मीठा होगा, उसने बोला हाँ मैंने ले लिया। उनको क्या पता कि यार उनका काम है, उनको पता होता है, पता होता है। जी बात कर रहे हैं फ्रूट्स वालों को, तरबूज हो गया, गरमा हो गया, इन लोगों को आइडिया होता है कि कौन सा किस शेप का जो मीठा होगा। तरबूज की पहचान क्या बताई थी? थप्पड़ मार के ढक टक
खोखला होगा तो मीठा होगा, और अगर ठोस होगा तो वो फीका होगा। खैर अभी फ्रूट चाट तो तकरीबन सब फ्रूट कट गए तकरीबन। हाँ तो अब इसमें क्या डलेगा? क्या कहते हैं, चाट मसाला और चीनी। चीनी हाँ, फिर उसके बाद हम खाने के बाद इसे खाने वाले हैं। और इसको मेरा दिला, इसको जो हाफ बच गई है ना इसको बांध, इसको बाकी कल के फ्रूट चाट में जो है ना इस्तेमाल कर लेंगे। कभी भी फ्रूट ना इकट्ठा इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, बच्चे खाते नहीं है, वेस्ट हो जाता है। चाट के लिए लिया था बेसिकली। हाँ फिर भी थोड़ा थोड़ा ना, अभी इतने सारे केले थे जो काले होते जा रहे हैं यहाँ से देखें, और सेब है वो बच्चे आधे आधे चिक मार मार के इस तरह खा के छोड़ रहे थे। A few moments later. दाल चावल रेडी हो चुके हैं और मैं जा रही थी शॉपिंग पे। और आप लोग सोचते होंगे रोज़ रोज़ शॉपिंग पे जाती हैं, मतलब एक दिन छोड़ के दो दिन छोड़ के, तो आप लोगों को क्या बताऊँ, शॉपिंग जो है ना वो क्या कहते हैं, दवाई है रे, दवाई है रे। बंदा सेट रहता है, फ्रेश रहता है, थोड़ा विजिट करना चाहिए बाजारों का, जो चीज़ अच्छी लगी ले लेनी चाहिए, जो महंगी लगी उसे देख के छोड़ देना चाहिए नेक्स्ट टाइम पे कि जब इतने पैसे होंगे तो हम ले लेंगे। तो ये चीज़ चिल रहता है, इंसान विंडो शॉपिंग पे भी चिल रहता है, पर मैंने कुछ चीज़ें लेनी है और वो मैं जाके देखती हूँ, लेने हो गई तो ठीक है, नहीं लेने हुई तो फिर हम घूम के आ जाएंगे। खैर ये मेरा बैग रखा हुआ है, खाना तो मैंने रेडी जल्दी जल्दी किया है, लाइट ऑफ कर दें। वर्किंग डेज है फिर भी इतनी ज़्यादा रश है ना, मेरी तरह लोग मुँह उठा के आए रहते हैं जैसे मैं हर दूसरे दिन आती, लोग भी आते ही होंगे। खैर मुझे अच्छा लगता है आप लोग भी आए थे। ओके जाओ जाओ, मैं वहाँ से आती हूँ मम्मा के साथ। चलो चलो चलो, है ना यार, आते जाते रहना चाहिए ना, शॉपिंग करते रहना चाहिए, शॉपिंग ना भी करो तो फ्रेश होने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए। घोड़ा भी है, अच्छा ये जब आते हैं यहाँ से लाजमी दिखाते हैं। अच्छा एक बात बताएं, मुझे तो बहुत शौक है यहाँ पर आने का, शॉपिंग वगैरह का। आपको भी है? मुझे नहीं है। क्यों फिर क्यों आ जाते हैं? फिर आप आ कैसे जाते, इतने शरीफ हैं। इतना शरीफ शख्स है, बीवी पे फिदा है, और उससे भी ज्यादा शरीफ है कि अपनी पे फिदा है। जी ये तो यहाँ से पैसे वैसे ले रहे हैं और यहाँ पर स्टेज लगा हुआ है, और मुस्तफ़ा आप अब यहाँ पर गाना सुनाने लगे हो, मुझे ऊपर जाओ और मुझे अच्छा सा गाना सुनाओ, अंकल देखेंगे। कोई है ही नहीं, कुछ नहीं बोलता, जैसे कोई आएगा ना आप भाग के नीचे आ जाना, सही है, और अच्छा सा गाना सुना दो। शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुने मेरे बेटे का गाना, सुने कहानी सुनो, कहानी सुनो, यहाँ वाले की भी जुबानी सुने, बताएं जुबानी सुनाइएगा, कितने निकाल रहे हैं, क्या क्या लेके देने वाले हैं? सही है, ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं करने वाले, दो दो लाख लाख की शॉपिंग करो ना, शादी के कपड़े लो, प्यारे प्यारे महंगे कपड़े लो। तो समझ आए ड्रेसेस राबिया? देख रही थी। हाँ टू पीस नहीं है, सिर्फ शर्ट्स हैं। सिर्फ शर्ट्स हैं, क्या हो गया राबिया? देख रही, ये कितना प्यारा लग रहा है। ये ना पोटली, पोटली ये फिर अच्छी। और ये है सही लग रहा है, ये करवा दे। ओके ये ठीक है, आपको स्मेल अच्छी लगी? हाँ सही है। ये कर लूँ ना? ये कर लो। आप दे दो है? इसका मतलब है तो एक्स्ट्रा थैला भी नहीं आपके पास कि हम ये घर लेके जा सके। हाँ तो ऐसे पकड़ना पड़े। 20 रुपीस और दो है, ये ले खुले हैं। अंकल ने बोला अभी सबर कर जाए, वेट करें, कम बोले। ड्रेस ले लिए, परफ्यूम ले लिए, बॉडी मिस्ट, पर पर्ची का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि कंप्यूटर हैंग हो गया, और ये लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। मुझे यहाँ सीट दिखी, मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, और वहाँ पर वो लोग टाइम लगेगा उन्हें। 2000 years later. फाइनली फाइनली आधा पौना घंटा लगने के बाद हमें बिल मिले। और ये बताऊँ 40 रुपए का बैग है, 40 रुपए का गुल अहमद में होता है ये, मैं पहले भी आई थी ना। अच्छा इसी के बीच में रखो, एक्सचेंज हो सकता है, चेंज रिटर्न। सुबह ने बोला आज शकरकंदी खानी है, और मकई ने भी शकरकंदी लिया, आपने देखी नहीं, इसको दिखाएं ऊपर, ये देखो, ये तो आग जल रही है इधर। अच्छा मैं बनाती हूँ तवे पर, और इन्होंने कोयला रखा है, कोयले पर बन रही है।
जी तो अभी घर आए हैं और टाइम तकरीबन 10 बज चुके हैं, भूख लगी हुई थी, जल्दी से खाने का कुछ कर लूँ। और एक ड्रेस लिया है और एक ये ली है, क्या मैं ये गुलामत की फर्स्ट टाइम मैंने ली है, बॉडी मिस्ट है, तो ट्राई करते हैं देखते हैं कैसी है। मुझे ज़्यादा तेज़ परफ्यूम पसंद नहीं है इसलिए मैं हल्की परफ्यूम के तौर पर ना बॉडी मिस्ट या बिल्कुल लाइट सी गुला है उसकी है ना जे डॉट की, वो लगाती हूँ टोपेज़। तो अभी इसकी ये खुल नहीं रही, बाद में देखते हैं। खाने में है चावल, दाल, मसर की दाल और सलाद, साथ में रोटी लिया है। रोटी खानी तो रोटी खा लें, जिन्होंने चावल खाने वो चावल खा लें। यहीं से व्लॉग को एंड कर रही हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दुआ में याद रखना है, व्लॉग को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और सपोर्ट करें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, तो मस्ट है, वो तो आप लोगों ने करना ही करना है। और बस मुझे इजाज़त है, मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हाफिज़।